हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत जी एस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गई है और उसमें दो महत्वपूर्ण पद है, वो है दरोगा और सर्जेंट का। तो दरोगा और सर्जेंट के बारे में आज हम लोग विस्तार से जानेंगे कि कौन सा पद बेहतर है और किसका क्या काम है और क्या प्रमोशन के स्कोप्स हैं, साथ साथ उनके पोस्टिंग और वर्क के बारे में भी पूरे विस्तार से जानने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, बिहार दरोगा की अभी हाल ही में 2213 पदों के लिए बहाली आई है, जिसमें दरोगा और सर्जेंट ये दो महत्वपूर्ण पद हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको मालूम ही होगा कि 2446 पदों के लिए भी मेंस एग्जाम लंबित है, उसमें भी दरोगा और सर्जेंट दोनों का पद है। तो हम लोग ये जानना चाहेंगे कि दरोगा और सर्जेंट में मूल डिफरेंस क्या है, क्या दोनों एक ही पद है या फिर दोनों अलग अलग पद है, या दोनों का वर्क प्रोफाइल एक ही है या अलग अलग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस दोनों में से कौन सा पद बेहतर हो सकता है आपके लिए, मूल रूप से जानेंगे। वो पांच पॉइंट है बेसिक्स के बारे में, उसके बाद सैलरी के बारे में, पोस्टिंग के बारे में, वर्क के बारे में और प्रमोशन के बारे में। इसी आधार पर ये निर्धारित हो जाएगा कि कौन सा पद बढ़िया है और कौन सा पद आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेसिक की। तो जहां तक दरोगा की बात है तो दरोगा क्या है, आप लोग जानते हैं कि दरोगा को हम लोग क्या कहते हैं, सब इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर कहते हैं। तो ये मुख्य रूप से सब इंस्पेक्टर का पद है। लेकिन सर्जेंट की बात करें तो इसको हम लोग रिजर्व सब इंस्पेक्टर कहते हैं। रिजर्व सब इंस्पेक्टर इसलिए कहते हैं कि इनका जो वर्क प्रोफाइल है इसके अनुसार से अगर आप देखेंगे तो इनका काम जो है वो मेन स्ट्रीम में नहीं होता है, इनका काम जो है वो सपोर्टिंग स्टाफ की तरह होता है। सर्जेंट का काम सपोर्टिंग स्टाफ की तरह होता है, जबकि ये दरोगा जो है वो मेन स्ट्रीम में वर्क करता है। तो इसीलिए बेसिक डिफरेंस यह हो गया कि ये मूल रूप से सब इंस्पेक्टर होते हैं और ये रिजर्व कैटेगरी के सब इंस्पेक्टर होते हैं। दोनों ग्रुप बी का पद है, दोनों नॉन गजेटेड पद है, दोनों ग्रुप बी का पद है। और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि दरोगा मेन स्ट्रीम में काम करता है और सर्जेंट जो है वो रिजर्व कैटेगरी का है। ये इनका मुख्य जब काम हम लोग समझेंगे तब ये रिजर्व कैटेगरी के बारे में हम लोग अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो डेफिनेट रूप से बेसिक डिफरेंस यही है। जहां तक सैलरी की बात करें तो दोनों को लेवल 6 के अंतर्गत 4200 ग्रेड पे मिलता है। कितना मिलता है, 4200 ग्रेड पे मिलता है दोनों को, लेवल 6 के अंतर्गत 4200 ग्रेड पे मिलता है। अगर भत्ते की बात करें तो भत्ता भी लगभग समान ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है भत्तों में। अब बात करते हैं कि ये सेवेंथ पे कमीशन में इनकी सैलरी कितनी हो जाती है। तो सेवेंथ पे कमीशन में इनकी सैलरी जो है वो 35400 की बेसिक सैलरी है, और साथ में 35400 की बेसिक सैलरी जो है वो इसमें अगर भत्तों को जोड़ दिया जाए तो इनकी सैलरी काफी हो जाती है, लगभग 50 प्लस सैलरी हो जाएगी अभी जो भत्ते मिल रहे हैं उनके अनुसार। तो ये बेसिक सैलरी हो गया, तो सैलरी के बारे में भी आप लोग समझ गए। अब इनकी पोस्टिंग के बारे में जानेंगे तो डेफिनेट रूप से आपको समझ में आने लगेगा, बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। तो अगर दरोगा की बात करें तो दरोगा मेनस्ट्रीम में वर्क करता है, इसलिए इनकी पोस्टिंग जो होता है वो किसी पुलिस स्टेशन में होता है, ठीक है, किसी पुलिस स्टेशन में होता है। और थाना में ये एक SHO के रूप में भी काम करते हैं, इन्वेस्टिगेटर के रूप में भी काम करते हैं। इनका काम जो होता है वो काफी चुनौतीपूर्ण होता है, इनकी पोस्टिंग जो है वो कहाँ होती है, थानों में होती है। लेकिन सर्जेंट की बात करें तो सर्जेंट की जो पोस्टिंग होती है वो पुलिस लाइन में होती है, ठीक है, पुलिस लाइन में होती है, पुलिस लाइन में इनकी पोस्टिंग होती है, पुलिस लाइन में ही अपनी पूरी जो जीवन है वही बिताते हैं और पूरे जॉब वही करते हैं पुलिस लाइन में। कभी कभी जिला मुख्यालय में, मतलब पुलिस लाइन में जैसे ही ये आ गए तो इनको जिला मुख्यालय में रहने का मौका मिलता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे दरोगा की तो आप दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर आपको जॉब करना पड़ता है, ठीक है। तो दोनों के पोस्टिंग में यही डिफरेंस है कि इनकी पोस्टिंग पुलिस लाइन में होती है और इनकी पोस्टिंग जो होती है दरोगा की पोस्टिंग जो होती है वो थाना में होता है और इनकी पोस्टिंग जो है सर्जन की पोस्टिंग पुलिस लाइन में होता है। तो ट्रांसफर की बात करें तो दोनों का ट्रांसफर स्टेट लेवल पे होता है, मतलब आपकी ट्रांसफर जो है वो कहीं भी पूरे स्टेट में हो सकता है, दोनों का ट्रांसफर स्टेट लेवल पे होता है। तो इसमें कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, दोनों का ट्रांसफर तो अलग अलग है लेकिन मूल रूप से पोस्टिंग का डिफरेंसेस हो जाता है। पोस्टिंग जो है वो दरोगा को थाना में मिलता है और
सर्जेंट को पुलिस लाइन में मिलता है। अब पोस्टिंग के बारे में समझ गए तो डेफिनेट रूप से अब हम लोग काम के बारे में समझते हैं कि आखिर काम क्या करते हैं ये। तो सबसे पहला काम करते हैं ये मेंटेन करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करता है, दरोगा करता है, ठीक है। अगर कोई घटना घट जाती है तो उनका इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, वो दरोगा करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको जो एरिया असाइंड किया गया है, एरिया असाइंड का मतलब है कि थाना के निर्धारित थाना के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं आपके, आपको उसी क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, इन्वेस्टिगेशन को मेंटेन करना है। साथ साथ और सारे जो आपको समय समय पर काम दिए जाते हो उसको आपको करना है। अब सर्जेंट के काम की बात करें, ये ड्यूटी चार्ट बनाते हैं, ठीक है। ड्यूटी चार्ट किसकी बनाएंगे, ये ड्यूटी चार्ट बनाते हैं कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई जो भी होते हैं उनके ड्यूटी चार्ट कौन बनाता है, ये सर्जेंट साहब ही बनाते हैं। साथ ही अगर जैसे वर्दी वगैरह के वितरण की बात हो गया, शूज वगैरह के वितरण की बात हो गया दरोगा के लिए, तो वो सारी ड्यूटी कौन करता है, ये सर्जेंट के माध्यम से ही होता है। वर्दी का वितरण या फिर शूज का वितरण या कोई और तरीके की अगर आपको फैसिलिटीज जो दरोगा वगैरह को दिया जाता है उन सभी का वितरण कौन करता है, दरोगा जो होता है इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। तो डेफिनेट रूप से ये काफी चुनौतीपूर्ण पद होगा, लेकिन सर्जेंट के साथ ऐसी व्यवस्था नहीं है, सर्जेंट काफी एकदम पीसफुल जॉब है, ये पीसफुल जॉब है, जो जिनको पीस पसंद है, शांति से अपना जॉब निकालना चाहते हैं उनके लिए सर्जेंट बहुत अच्छा पद हो सकता है। लेकिन अगर दरोगा की बात करें तो दरोगा को क्रिमिनल से पाला पड़ता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करना होता है। तो प्रमोशन की बात करें तो दरोगा का प्रमोशन मतलब सब इंस्पेक्टर से इनको बनाया जाता है, सब इंस्पेक्टर से इनको बनाया जाता है इंस्पेक्टर, ठीक है। ये इंस्पेक्टर के पोस्ट पर आते हैं और इंस्पेक्टर के बाद इनको डीएसपी का पोस्ट मिलता है, डीएसपी के बाद उनको एडिशनल एसपी भी बनाया जाता है, ठीक है, एडिशनल एएसपी, एडिशनल एसपी भी बनाया जाता है, लेकिन मुख्यतः ये डीएसपी तक पहुंचते पहुंचते रिटायर्ड हो जाते हैं। तो दरोगा सब इंस्पेक्टर हो गए, सब इंस्पेक्टर जो है इंस्पेक्टर बने, इंस्पेक्टर से डीएसपी बने और फिर एएसपी बने, मतलब इनका जो प्रमोशन का स्कोप काफी अच्छा खासा है। अगर हम सर्जेंट की बात करें तो सर्जेंट को जो है वो सर्जेंट मेजर के रूप में होता है, सबसे पहला जो प्रमोशन होता है वो सर्जेंट मेजर के रूप में होता है। सर्जेंट मेजर के बाद इनकी भी पोस्टिंग डीएसपी के रूप में होती है, ठीक है, डीएसपी के रूप में होती है। उसके बाद इनकी पोस्टिंग क्या हो जाती है, एएसपी के रूप में इनकी भी पोस्टिंग होती है, मतलब प्रमोशन में खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है, प्रमोशन में भी खास डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस जो हो जाता है वो इनके वर्क प्रोफाइल के साथ डिफरेंस हो जाता है। तो चलिए अब हम लोग निष्कर्ष जानते हैं, कंक्लूजन जानते हैं कि आपके लिए कौन सा पद बेहतर हो सकता है और इन दोनों में कौन सा पद बेहतर है। तो जहां तक पोस्टिंग की बात करें, पोस्टिंग में हमने बताया कि दोनों की पोस्टिंग जो है अलग अलग तरीके से होता है। दरोगा की पोस्टिंग जो है वो कहां होता है, आपको ग्रामीण क्षेत्र के पीएस में भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। वहीं अगर सर्जेंट की बात करें तो सर्जेंट जो है वो हमेशा जिला मुख्यालय में रहता है, ठीक है, जिला मुख्यालय में इनकी पोस्टिंग होती है और जिला मुख्यालय यानी पुलिस लाइन, ठीक है। तो पुलिस लाइन में जिला मुख्यालय में इनकी पोस्टिंग होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जिला में रहूं, ठीक है, क्योंकि जिला में रहने से क्या होता है कि आपके और सारे फ्यूचर के वर्क जो होते हैं जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के और सारे वर्क जो होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से होते हैं। तो जिला मुख्यालय में रहना है तो सर्जेंट का पद आपके लिए बेहतर हो सकता है। दरोगा की जहां तक बात करें तो दरोगा के पद जो होते हैं उसमें चार्मिंग के साथ साथ आपको पावर भी काफ़ी रहता है, ठीक है। तो पावर और चार्मिंग दिखाना है चाहे आपकी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्र में ही क्यों ना हो, तो डेफिनेट रूप से दरोगा का पद आपके लिए बेहतर हो सकता है। पोस्टिंग के साथ साथ अगर बात करें तो ये दरोगा जो है, दरोगा का जो वर्क है, ठीक है, दरोगा के अब वर्क की बात कर लेते हैं। तो वर्क, दरोगा का वर्क जो है काफी विविधतापूर्ण होता है और विविधतापूर्ण के साथ साथ आपको काफी चुनौतीपूर्ण वर्क करना पड़ता है, ठीक है।
चुनौतीपूर्ण वर्क करना पड़ता है, और इस चुनौतीपूर्ण वर्क में आपको बहुत सारे प्रेशर भी होते हैं। अपने पदाधिकारी का प्रेशर होता है, बड़े पदाधिकारी का प्रेशर होता है, साथ साथ आपको सामाजिक प्रेशर भी होता है, पब्लिक प्रेशर जिसको कहते हैं, पब्लिक प्रेशर होता है, उसके बाद पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत हद तक काम करता है। तो डेफिनेट रूप से आपको सब प्रेशर को झेलते हुए आगे बढ़ना होगा। तो दरोगा का काम जो है वो काफ़ी प्रेशर वाला काम है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम है। तो डेफिनेट रूप से अगर आप चुनौती स्वीकार है आपको, तो डेफिनेट रूप से दरोगा का पद आपके लिए बेहतर हो सकता है। और जहां तक बात करें सर्जन की, तो सर्जन का काम जो है वो काफ़ी आसान है, पुलिस लाइन में इनकी काम रहती है और ये काफ़ी शांतिपूर्ण जॉब करते हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण जॉब करते हैं। तो अगर देखा जाए तो शांतिपूर्ण जॉब करना है तो सर्जेंट का पद आपके लिए बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर चुनौती आपको स्वीकार है तो मैं कहूंगा कि आपके लिए दरोगा सबसे बेहतर पद हो सकता है, ठीक है। और चूंकि दरोगा के काम चुनौतीपूर्ण है तो डेफिनेट रूप से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होगी, ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बड़ी होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होगी तो डेफिनेट रूप से इनको बहुत सारे लोगों का दबाव झेलना पड़ेगा। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखते हुए आपको सर्जेंट से तुलना करें तो सर्जेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बहुत कम है, यहाँ आप शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। तो डेफिनेट रूप से अब ये कंक्लूजन आ गया है कि जो लोग जिला मुख्यालय में रहकर शांतिपूर्ण जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए सर्जेंट बेहतर पद हो सकता है। लेकिन जिनको चुनौतियाँ पसंद है, ठीक है, जो पावर और चार्मिंग के साथ जॉब करना चाहते हैं, जो चुनौतीपूर्ण वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए दरोगा से बेहतर कोई पद हो ही नहीं सकता है। हाँ, जहाँ तक अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में जिनको चुनौती पसंद है उनके लिए तो दरोगा का पद बेहतर है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती हैं तो उनके लिए सर्जेंट का पद सबसे बेहतर हो सकता है। तो इस तरह से अब आप लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि इस बिहार दरोगा का जो बहाली आया है, BPSSC के द्वारा जो बहाली लिया जा रहा है, उसमें कौन सा पद आपके लिए बेहतर हो सकता है, बिहार दरोगा बेहतर हो सकता है या सर्जेंट का पद बेहतर हो सकता है। तो डेफिनेट रूप से मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर चुका हूँ। अगर डेफिनेट रूप से आपकी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो डेफिनेट रूप से वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।